हेलो दोस्त, मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। तो जहां तक मैंने बायो में इवोल्यूशन चैप्टर को कंप्लीट किया था, उससे आगे की बात करूंगा। तो चलते हैं 66 बीपीएससी पीटी के सफर पर। शुरू करते हैं हम इस वीडियो का लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का अगला सेक्शन, जिसमें हम लोग दो थ्योरी पढ़ चुके थे और तीसरा थ्योरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो तीसरा थ्योरी है, नाम है म्यूटेशन थ्योरी। तो ध्यान देना है, एक इंपॉर्टेंट थ्योरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी में इसको उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो उद्विकास से संबंधित आया था, उसी की हम बात करेंगे। तो दो थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, लैमार्क का और डार्विन का। अब उसके बाद की बात करने जा रहे हैं म्यूटेशन थ्योरी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत की बात हम कर रहे हैं, जिसमें एक अलग तरह से उद्विकास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। तो जो लैमार्क और डार्विन ने कहा, उससे बिल्कुल हट करके एक नया सिद्धांत आया। और ये सिद्धांत दिया था एक व्यक्ति ने, नाम है ह्यूगो डिब्रिस। तो ध्यान रखना है, ह्यूगो डिब्रिस ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसको हम लोग उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं। इसी के आधार पर मैंने अपनी पुस्तक का नाम म्यूटेशन बायोलॉजी रखा था। और जितने भी साइंस के मेरे मटेरियल्स हैं, या फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो, सब में म्यूटेशन वर्ड लगा हुआ। तो सबसे पहले तो समझना है, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन होता क्या है। तो सिंपली मैं समझा दूं दो शब्द के माध्यम से। पहला जो हम लोग कहते हैं, नाम है सडन एंड एब्रप्ट चेंज। सडन एंड एब्रप्ट चेंज इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो पहला तो ये ध्यान रखना, यही पॉइंट पूछ देगा एग्जाम में, कि कहीं भी जीवों में जो अचानक एकाएक जो परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं क्या? तो म्यूटेशन कहते हैं। और इसलिए हमने अपनी पुस्तक का नाम म्यूटेशन बायोलॉजी या म्यूटेशन केमिस्ट्री या म्यूटेशन फिजिक्स रखा। एक ऐसा सिद्धांत, ऐसा उद्विकास से संबंधित थ्योरी, जिसमें बताया गया कि जीवों में जो उद्विकास होता है, वो उद्विकास एक अचानक होने वाली प्रक्रिया है। तो ये ध्यान रखना है कि अभी तक जो हमने पढ़ा था डार्विन और लैमार्क को, उसमें कहा गया था कि जीवन में जो उद्विकास होता है जीवों के अंदर, वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली होता है। और एक जीव को दूसरे जीव में परिवर्तित होने में लाखों बरस लगते हैं। लेकिन इन्होंने आकर के, ह्यूगो डिब्रिस ने एक नया सिद्धांत दिया कि ऐसा नहीं है, जीवों में उद्विकास अचानक होता है और अचानक ही जीवों के शरीर में परिवर्तन होता है और एक जीव दूसरे जीव में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी अचानक होने वाले परिवर्तन को हम म्यूटेशन कहते हैं। तो ध्यान रखना है, एक अलग तरह का सिद्धांत ह्यूगो डिब्रिस ने दिया और कहा कि ये जो अचानक परिवर्तन होगा, वो जीवों के डीएनए में होगा, जिसको हम लोग आनुवांशिक मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में देखते हैं। तो डीएनए पर आधारित जीवों का शरीर चलता है, जीवों का करेक्टर चलता है। और डीएनए में अगर बदलाव होगा, तो उस बदलाव के कारण जीवों के शरीर में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि जीवों में जो भी करेक्टर होता है, वो डीएनए पर मौजूद जीन के कारण होता है। और जब जीन में परिवर्तन होता है, तो जीवों के शरीर में अचानक से बदलाव आ जाता है और एक जीव दूसरे जीव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी को ह्यूगो डिब्रिस ने एक सिद्धांत के तौर पर प्रस्तुत किया। तो सिंपल कि जीवों में अचानक एकाएक होने वाले परिवर्तन को म्यूटेशन कहेंगे, और उस परिवर्तन के आधार पर जीवों में जो उद्विकास होता है, जीव का स्वरूप बदलता है, उसी को म्यूटेशन थ्योरी इवोल्यूशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसको ध्यान रखना है। अब इसी के आधार पर हम लोग इवोल्यूशन की बात करेंगे। जो इवोल्यूशन में कहा गया, चाहे वो डार्विन की बात हो, चाहे लैमार्क की बात हो, चाहे ह्यूगो डिब्रिस के म्यूटेशन थ्योरी की बात हो, अब इसी को समझने के लिए हम लोग को कुछ उद्विकास से संबंधित परमाण को देखना। तो यहां पर हम लोग उद्विकास के परमाण की चर्चा करेंगे। तो उद्विकास का कौन कौन सा परमाण है, इसी की मैं बात करूंगा। और ध्यान रखना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है उद्विकास से संबंधित, या उद्विकास से चैप्टर से संबंधित। तो ध्यान रखना है कि जो भी कहा गया लैमार्क के द्वारा, डार्विन के द्वारा या ह्यूगो डिब्रिस के द्वारा म्यूटेशन थ्योरी में, उसके कुछ प्रमाण हैं जो हमारे आसपास जीवों में
जीव जंतु या लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखाई पड़ता है और उसी से पता चलता है कि सचमुच एक जीव का स्वरूप दूसरे में बदल जाता है। तो क्या क्या प्रमाण है उसी को मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा। और विकास के जब प्रमाण की बात आती है तो पहला जो प्रमाण आता है नाम है होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गेन। तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता। तो होमोलोगस एवं एनालोगस ऑर्गेन तो दो चीज है, दो वर्ड है और दोनों को समझना यहां पर। तो होमोलोगस का मतलब समजात होता है और एनालोगस का मतलब समरूप होता है और ऑर्गेन का मतलब अंग होता है। तो यही समझना है कि यहां पर हम एक प्रमाण के द्वारा देख सकते हैं कि जीवों में उद्विकास कैसे होता है। तो दो वर्ड हमने कहा अंगों के बारे में, तो अंग का मतलब समझते ही होंगे कि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, हाथ पांव नाक कान हृदय फेफड़ा किडनी लीवर ब्रेन मस्तिष्क के सब अंग हैं और सब अंग मिलकर के शरीर का काम होता है। तो उन्हीं अंगों में कुछ अंग को हम समजात और समरूप की श्रेणी में रखते हैं और इसी से पता चलता है कि जीवों में उद्विकास होता है। तो क्या है समजात और क्या है समरूप, इसको समझने का प्रयास करें। बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया है बीपीएससी में, एसएससी में, रेलवे में, यूपीएससी में, कई एग्जाम्स में पूछे गए। तो पहला ध्यान रखना है यहां लिखा हुआ है समजात और यहां लिखा हुआ है समरूप। मैं बिल्कुल आसानी से समझा देता हूं आपको कि कैसे इसको समझना है। तो जात मतलब समझते होंगे, जात से आज हर लोग वाकिफ हैं, कास्ट को जात कहते हैं और जात का जो संबंध है वो जन्म से होता है कि जिस फैमिली में जो बच्चा जन्म लेता है उसको उसका जात मानते हैं। ये आज का कॉन्सेप्ट है भारतीय संस्कृति में। लेकिन पहले जो इतिहास पढ़ते होंगे तो ऋग्वैदिक काल में पहले जो व्यवस्था थी कि जो जैसा कर्म करता था उसके आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाया गया था, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र जो बनाया गया था वो कर्म के आधार पर था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये चेंज हो गया और जात को जन्म से जोड़ा गया, अब कर्म को हटा करके जन्म से संबंध हो गया कि क्षत्रिय में जन्म लिया तो क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया तो ब्राह्मण होगा, जो शूद्र है वो शूद्र हो जाएगा और जिसको वैश्य में जन्म हुआ वो वैश्य हो जाएगा और इस प्रकार से जात को हम समझते। तो यहां उसी से वर्ड आया है समजात, मतलब सिंपल समान जात, और समान जात का मतलब कि वैसा अंग जिसका जन्म एक जैसे होता हो या जन्म समान होता हो, उत्पत्ति समान तरीके से होती हो, बनावट एक जैसी होती हो, उसी को हम लोग होमोलोगस ऑर्गेन मान लेंगे या समजात अंग कहें। तो ये एक जैसा जन्म होने का मतलब क्या है? तो मतलब बिल्कुल सिंपल कि हम लोग जो जीव पृथ्वी पर हैं वो जन्म के पहले डेवलपमेंटल स्टेज में रहते हैं, गर्भावस्था में। एक मानव का जो बच्चा जन्म लेता है तो मानव जन्म लेने से पहले मां के गर्भ में 9 महीने रहता है। एक मुर्गी के अंडे से चूजे बाहर आते तो उसको 21 दिन लगते हैं उसको डेवलप होने में। हाथी के बच्चे को जन्म लेने में 600 दिन लग जाते हैं तब एक हाथी एक बच्चे को जन्म देती है। तो उसी तरह से समझना है। तो डेवलपमेंटल स्टेज में जब अलग अलग जानवरों को स्टडी करेंगे, गाय के देखेंगे, मनुष्य को देखेंगे, पक्षी को देखेंगे, हाथी को देखेंगे, व्हेल को देखेंगे, तो सब में देखेंगे कि जो डेवलपमेंटल स्टेज है कि मानव में गर्भ में जैसे हाथ पांव बनता है बच्चे का, जस्ट वैसे ही गाय के अगले पांव का निर्माण होता है, पक्षी का अगला पंख बनता है, व्हेल जो एक स्तनधारी है उसका फ्लिपर बनता है। तो इस प्रकार से सभी के अंग में एक बनावट में समानता दिखती है और उस समानता के आधार पर ऐसे अंगों को हम होमोलोगस ऑर्गेन मान लेते हैं। तो सिंपल याद रखना है कि गर्भावस्था में जब जन्म या बनावट एक जैसा होता हो तो उस बनावट समान होने के कारण उसको हम समजात मान लें। काम उन अंगों का समान या असमान हो सकता है, तो जन्म समान होना चाहिए लेकिन यहां कार्य जो है अंगों का वो में भी समान भी हो सकता है या असमान भी हो सकता है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि कार्य समान भी हो सकता है या असमान भी हो सकता है। तो ऐसे अंगों को हम होमोलोगस ऑर्गेन मान लें। जैसे हम एक एग्जांपल दें कि हमारा हाथ जो है, तो मनुष्य का हाथ और गाय का अगला पांव, तो गाय का आगे वाला पांव, तो ये जो है दोनों होमोलोगस ऑर्गेन है। तो मनुष्य का हैंड
और गाय का अगला पांव या गाय के जगह हम पक्षी के पंख भी कर सकते हैं, बिल्ली का पंजा भी कर सकते हैं, भेड़ का फ्लिपर भी कर सकते हैं, तो सब होमोलोगस ऑर्गेन के एग्जाम्पल है। तो मनुष्य का हाथ हो गया और गाय का आगे वाला पांव हो गया, ये होमोलोगस ऑर्गेन है। समझाता हूं क्यों, क्योंकि दोनों का बनावट एक जैसा है, दोनों का डेवलपमेंट गर्भ में एक ही जैसा होता है, इसलिए इसको हम समझात अंग के रूप में देखते हैं। और इससे पता चलता है कि गाय और मानव, पक्षी, वेल सब कभी न कभी एक ही जैसे रहे होंगे, लेकिन जीवन काल में अलग अलग आवश्यकताओं के कारण उन्होंने अपने अपने शरीर को अलग रूप में विकसित किया, इसलिए आज उनका स्वरूप अलग दिखता है। लेकिन बनावट समान होना यह प्रस्तुत करता है, प्रमाणित करता है कि सब जानवर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं हमारा एक दूसरे से संबंध रहा है। तो पहला होमोलोगस ऑर्गन, दूसरा है समरूपण। तो समरूप मतलब सिंपल समान रूप होता है, अंग तो है ही, तो वैसे अंग जिसका रूप समान उसको समरूप अंग या एनालोगस ऑर्गन कहे। समझाता हूं मैं एक बिल्कुल सिंपल, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी की बात करूं कि बीपीएससी में आज जाति को देखें तो हर वर्ग के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और हर वर्ग के बच्चे में कुछ क्षत्रिय हैं, कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ वैश्य हैं, कुछ शूद्र हैं, सब तरह के आरक्षण की भी श्रेणी रखी गई है संविधान में, आरक्षण के प्रावधान है। तो सबको अगर बीपीएससी को मौका मिलेगा देने का, अलग अलग जात से हैं, लेकिन अगर इन्हीं में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिलेक्ट हो जाएंगे, बीपीएससी में उनका चयन हो जाएगा, और चयन होगा और अलग अलग जाति के दो बच्चों का सिलेक्शन अगर एक ही पोस्ट पर हो जाए, दोनों के दोनों एसडीएम बन जाए, और एसडीएम बन जाएंगे तो एक मान लिया जनरल कैटेगरी से, एक एससी कैटेगरी से, और दोनों को एसडीएम पोस्ट मिल जाए, तो जब काम करने के लिए ज्वाइनिंग हो जाएगी उनकी, और कुछ दिन बाद जब वो काम करके लौटेंगे और आप दोनों को देखेंगे तो दोनों का रूप एक जैसा दिखेगा, उनकी वर्दी एक जैसी, काम एक जैसा, पर्सनालिटी एक जैसी, ऑफिस एक जैसा, गाड़ियां एक जैसी, उनके सिक्योरिटी एक जैसे, सब कुछ एक जैसा होगा, उनका सोच, उनका थिंकिंग एक हो जाएगा, तो तब हम कहेंगे कि सब एक समान है, उनका रूप एक जैसा। तो इसी को समझना है कि जानवरों में या जीवों में अंग है, और वैसे अंग जिनका जन्म असमान हो, मतलब अलग अलग तरीके से उनका विकास होता हो, लेकिन यहां पर कंडीशन लगा हुआ है कि कार्य जो हो वो हर हाल में समान होना चाहिए। तो जन्म असमान तरीके से होता हो, बनावट डेवलपमेंट अलग अलग रूप में होता हो, तो उन अंगों को हम एनालोगस मानेंगे, लेकिन यह कंडीशन है कि ऐसे अंग जन्म असमान होने के बावजूद कार्य समान करते। तो जिनका जन्म समान असमान हो और कार्य समान, उनको हम एनालोगस ऑर्गन या समरूप अंग माने। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं एक सिंपल, कि आप पंख देखे होंगे, तो पंख जो होता है पक्षी का, तो पक्षी का पंख है, और तितली का पंख है, तो पक्षी का पंख और तितली का पंख दो पंख है, दोनों का आप देखते होंगे, हमारे आसपास पक्षियां भी है, तितलियां भी उड़ती है, तो दोनों का पंख बिल्कुल अलग है। पक्षी के पंख में कोई जान नहीं होता, वो काइटिन से बने होते हैं, तितली के पंख में, लेकिन पक्षी के पंख में हड्डियां होती है, मांसपेशियां होती है, ब्लड्स होते हैं, रक्त दौड़ता है उनमें जैसे हमारे शरीर में दौड़ता, तो दोनों का बनावट असमान है। पक्षी का पंख अलग है, तितली का पंख अलग है, मतलब बनावट दोनों का असमान है, लेकिन दोनों जो होता है ये जीवों का काम क्या करता है, तो दोनों जीवों में उड़ने में मदद करता है, तो उड़ना इसका काम है, तो जीव उड़ने में दोनों का उपयोग करता है, इसलिए कार्य असमान, जन्म असमान और कार्य समान होने की वजह से पक्षी के पंख और तितली के पंख को हम एनालोगस ऑर्गन मान लेते हैं। तो अक्सर पूछेगा कि होमोलोगस ऑर्गन किसको कहते हैं, एनालोगस ऑर्गन किसको कहते हैं, तो यहां पर जन्म समान है, बनावट समान है, यहां पर जन्म असमान है, कार्य समान है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि ऐसे अंग आपको एग्जाम्पल में दे दे तो समझना है कि एनालोगस ऑर्गन। तो पहला एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि जीवों में अंग जो बने हुए हैं वो अलग अलग तरीके से हैं, लेकिन सबका एक दूसरे से संबंध है। तो पहला ये एक इंपॉर्टेंट एविडेंस। दूसरा जो एविडेंस है एवोल्यूशन का, वो और भी इंपॉर्टेंट है, नाम है वेस्टिजियल ऑर्गन, हिंदी में इसको अवशेषी अंग कहा जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि हम एक अलग एविडेंस प्रस्तुत करने जा रहे हैं, और इवोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वेस्टिजियल ऑर्गन, बार बार सवाल पूछता है, तो नाम ही लिखा हुआ है अवशेषी। अवशेषी मतलब अवशेष होता है, आप इतिहास पढ़ते होंगे तो
तो सुनते होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है यूनिवर्सिटी दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, दुनिया से लोग आते थे, ऑक्सफोर्ड के स्थापना से पहले यह विश्वविद्यालय बना और दुनिया से लोग पढ़ने आते थे और इस विश्वविद्यालय का पूरी दुनिया में नाम हुआ करता था। लेकिन आज उस यूनिवर्सिटी को देखने जाएं तो पता चलता है कि आज वो यूनिवर्सिटी अपने अवशेष के लिए, अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, उसके खंडहर बचे हुए हैं। तो उसी को हम अवशेष कहते हैं, मतलब कि वैसा कोई भी चीज जो पहले बहुत डेवलप रहा हो, बहुत विकसित रहा हो, लेकिन वर्तमान में अब बिल्कुल बेजान हो गया हो, कोई उसका अस्तित्व ना रहा हो, सिर्फ उनके पहचान बचे हुए हो, तो ऐसे ही चीजों को अवशेष कहा जाता। और जीवों में ऐसे ऐसे बहुत सारे अंग हैं और ऐसे अंगों को ही हम अवशेषी अंग कहते हैं। तो कैसे अंग, तो समझना यह है कि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग और वैसे अंग भी हैं जो पूर्वजों में बहुत डेवलप था, बहुत विकसित, बहुत काम करता था, लेकिन आज ऐसे अंगों को देखेंगे कोई काम इनका नहीं है, अब अवशेष के रूप में बॉडी में मौजूद है। तो सिंपल कि वैसे अंग जो पूर्वजों में, जो हमारे पूर्वज थे उन पूर्वजों में काफी विकसित रहा हो, लेकिन आज जो उनके वंशज हैं उनके वंशजों में ये या तो समाप्त हो गए हो और नहीं तो अवशेष के रूप में मौजूद हो, ये दोनों करैक्टर होगा तो इन्हीं को हम अवशेषी अंग कहेंगे। और अवशेषी अंग वर्तमान में किसी तरह के कार्य में भाग नहीं लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अंग, और मानव में स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि मानव में अवशेषी अंग लगभग 180 है, जिसमें 90 गायब हो चुके हैं और 90 अभी भी अपीयर है। और इसी में से कुछ को एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सा अंग अवशेषी अंग है कि नहीं है। तो पहला तो ध्यान रखना है पूर्वजों में विकसित होना चाहिए और वर्तमान में या तो खत्म हो गया हो या अवशेष के रूप में हो। तो ऐसे ही कुछ अंगों का हम नाम लेने जा रहे हैं और उसी को आपको ध्यान रखना एग्जाम में पूछेगा। जैसे हम दो तीन अंग की बात करेंगे, पहला जो अंग है, एक अंग है, नाम है, एग्जाम्पल में देखेंगे तो नाम है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो पहला ये है, ध्यान देना है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स को। दूसरा है एक इंपॉर्टेंट नाम है विजडम टीथ। तीसरा है एक इंपॉर्टेंट नाम है थर्ड आई लीड। चौथा एक और हम बता दे रहे हैं, नाम है मेमेरी ग्लैंड ऑफ मेल। तो ये तीन इंपॉर्टेंट हम तीन चार बता रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अंग जो आपको अवशेषी अंग के रूप में दिखेंगे। अब इनको मैं दिखाता हूं कैसे ये अवशेषी अंग है। पहला हमने नाम लिखा है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स तो सुनते होंगे आप लोग कि कई लोगों का अपेंडिक्स हो जाता है, बीमारी एक। तो अपेंडिक्स है क्या, तो एक अंग का नाम है। और अंग को हम दिखा रहा हूं यहां पर, जब मानव में आप लार्ज इंटेस्टाइन को देखेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन जो दिखेगा वो इस प्रकार से दिखेगा। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है हमारा, और ऐसा ही लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत होता है शरीर। और ये जो नीचे है छोटा सा लटका हुआ, यही वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, इसी को वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। अब यहां होता क्या है कि भोजन जो हमारे शरीर में जाता है वो पाचन के बाद ऐसे बाहर निकलता है, लेकिन कभी कभी ये भोजन इधर से इधर आ जाता है और इसमें फंस जाता है, और फंसता है तो इसमें स्वेलिंग होता है, ये फूलने लगता है और फूल करके बैलून जैसा हो जाता। तो कहते हैं कि अपेंडिसाइटिस हो गया लोगों। तो ये अपेंडिक्स जो है बड़ी आंत का एक स्ट्रक्चर, आज बेजान है, इसका कोई उपयोगिता नहीं है शरीर में, और इसलिए डॉक्टर इसको यहां से काट करके बाहर निकाल देते हैं। लेकिन पूर्वजों में ये बहुत विकसित होता था। ये पूर्वजों में मतलब वह उस समय जब मानव एक आदि मानव के रूप में जंगलों में रहता था, जानवरों की तरह जीता था, कच्चे कंदमूल फल खाया करता था, पत्तियां खाता था पौधों का, तो इसके द्वारा उसका पाचन होता। लेकिन मानव सब हो गया, जंगल से घरों में आ गया, भोजन करने का तरीका बदल गया, तो इसकी आवश्यकता खत्म हो गई और अब यह अवशेष के रूप में जिसका कोई उपयोगिता नहीं। तो यह ध्यान रखना, कभी कभी पूछ देगा। दूसरा एक विजडम टीथ है, और विजडम टीथ का मैं एक लोकेशन बता रहा हूं आपको कि ये हमारा जबड़ा है, ऐसे अपर जॉ और लोअर जॉ। तो अपर जॉ और लोअर जॉ में चार सेक्शन, इसमें दांतें होती है 8, 2 यहां, एक छोटा सा यहां, फिर 2 यहां, और लास्ट में एक दांत होता है यहां पर, इसी को विजडम टीथ कहते हैं, सबसे लास्ट वाले।
और ये किसी किसी व्यक्ति में निकलता भी नहीं। आपको पता होगा कि मानव में कुल 32 दांत होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में 32 के जगह 28 ही दांत निकलता है। तो 28 दांत निकलने का मतलब कि 4 दांत नहीं आया। तो ये 4 दांत जो लास्ट में आता है वही विजडम टीथ है, जो 18 से 24 वर्ष की उम्र में निकलता। जिस समय मानव आदि मानव के रूप में जीता था तो उस समय कच्चे पदार्थों को खाने की जरूरत पड़ती थी, और तब चबाने के लिए दांत ज्यादा चौड़े और ज्यादा संख्या में चाहिए था। लेकिन जब पका भोजन करने लगा चबाने की आवश्यकता समाप्त हो गई, और परिणाम स्वरूप विजडम टीथ के रूप में ये 4 दांत लास्ट में दिखाई दिया। तो ध्यान रखना है किन्हीं किन्हीं में नहीं निकलता है, और निकलता भी है तो इसकी कोई ज्यादा उपयोगिता नहीं है। तीसरा जो है थर्ड आईलिड, ये विजडम टीथ की बात हमने किया, और तीसरा जो है थर्ड आईलिड की बात करें तो यहां पर हम आंख का एक चित्र बना रहे। ये आंख है आई हमारा, ये आई बॉल है और स्क्लेरा है, ये अपर आई लीड है और ये लोअर आई लीड है, मतलब ऊपरी पलक और निचली पलक। लेकिन हमने लिखा यहां थर्ड आई लीड, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि हमारे आंख में 3 पलक होती। तो ये ध्यान रखना है कि हमारे आंखों में 3 पलक है, 2 पलक काम कर रहा है और 1 पलक वेस्टिजियल ऑर्गेन है। अब यहां पर ध्यान दें कि जब मानव जंगल में रहता था, सांप की फैमिली से मानव बना है, तो सांप को देखते हुए झाड़ियों में घुसता है, बील में चलता है, बरों में घुस जाता है, तो घुसने के समय आंखें खोल कर रखता है। लेकिन झाड़ियों में जाने पर आंखों में कोई तिनका, कोई गर्दा, कोई कीड़े मकोड़े या कोई चीज घुस न जाए, इसके लिए नेचर ने उसके आंखों पर एक परत बनाया, ट्रांसपेरेंट, और जो परत होता है ये तीसरा पलक। लेकिन जब मानव जंगल से आ गया घरों में, आप झाड़ियों में चलने की आवश्यकता खत्म हो गई, और खत्म हुई तो ये पलक सिमट गया, और सिमटते सिमटते ये पलक जो है थर्ड वाला ये सिमट करके कॉर्नर में आकर जमा हो गया। तो कभी मिरर के सामने देखें खड़ा होकर, आंखों के खोलकर बढ़िया से, तो जहां नाक और आंख का कॉर्नर स्पर्श करता है, टच करता है, वहां पर एक मांस जमा हुआ है, छोटा सा उभरा हुआ। तो यही जो कॉर्नर में है इसी को हम थर्ड आईलिड कहते, आंख की तीसरी पलक, जो आज बेजान है, किसी तरह का इसका उपयोगिता नहीं। और एक स्पष्ट प्रमाण ये मेमेरी ग्लैंड ऑफ मेल, मेमेरी ग्लैंड मतलब होता है दूध की ग्रंथि। तो दूध की ग्रंथि आप देखते होंगे स्तनधारियों में दोनों में होता है, मेल वे में होता है, फीमेल में भी होता है, लेकिन फीमेल में दूध की ग्रंथि काफी विकसित होती है। गाय में बहुत बड़ा अस्तन होता है, स्तन ग्रंथियां होती है जिससे दूध का निर्माण होता है, लेकिन उसी में मेल में भी मेमोरी ग्लैंड, मानव में मेल में भी है, फीमेल में भी है, लेकिन मेल में उस मेमोरी ग्लैंड की कोई उपयोगिता नहीं है। कभी पूर्वजों में हो सकता है, आदि मानव में मेल के द्वारा भी दूध पिलाने का कार्य होता होगा, लेकिन आज वो काम समाप्त हो गया। ये दूध पिलाने का कार्य अब सिर्फ और सिर्फ माँ या फीमेल करती हैं, इसलिए उनके मेमोरी ग्लैंड ज्यादा हमसे विकसित होता है। मेल में ये मेमोरी ग्लैंड बिल्कुल अवशेष के रूप में पाए जाते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, और इस 4 में से कोई ना कोई तो अक्सर पूछता ही रहता कि इनमें से कौन अवशेषी अंग है। तो ये ध्यान रखना है, एक तो होमोलोगस नर्वस ऑर्गन, दूसरा वेस्टिजियल ऑर्गन, तीसरा जो हम प्रमाण देने जा रहे हैं वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और उसको हम एक नाम देते हैं थर्ड ये प्रमाण है, और तीसरा प्रमाण के रूप में देखेंगे। तो ध्यान रखना, इसको हम एक नाम दे रहे हैं, नाम है कनेक्टिंग लिंक, बीच की कड़ी। तो कनेक्टिंग लिंक जो है एक बहुत बड़ा प्रमाण, इसको हिंदी में बीच की कड़ी कहते। तो क्या है बीच की कड़ी, इसको समझे और बिल्कुल याद रखें इसको दोस्तों। ध्यान रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूं। बार बार यहां से सवाल पूछता है, इसी एग्जांपल्स में से कुछ कुछ पूछेगा। तो एक ये, दूसरा परमान वेस्टिजियल ऑर्गन, तीसरा कनेक्टिंग लिंक, बीच की कड़ी। तो कड़ी तो समझते ही हो, कड़ी मतलब होता है जोड़ने वाला। जैसे हम यहां एक चित्र बनाएं तो ये एक कड़ी है, ये एक कड़ी है लोहे की, और ये कड़ी जो है दूसरे कड़ी से ऐसे फंसी हुई है। तो ये जो बीच वाली कड़ी है इसको और इसको जोड़ रहा, इसलिए इसी को हम नाम दे देते हैं कि ये बीच की कड़ी। तो बीच की कड़ी का काम होता है दो कड़ी को जोड़कर रखना, जो हम लोग अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। दरवाजे में कड़ी लगा होता है, जमीन का नपाई करते हैं तो कड़ी भी नापा जाता है। तो देखेंगे उस कड़ी को, एक कड़ी छोटी होती है, उसी में दो कड़ी फंसे रहते हैं।
तो यही बीच की कड़ी के आधार पर आप इवोल्यूशन को समझ सकते हैं। जैसे अब यहां पर समझाना कैसे है कि बीच में जो कड़ी है वो एक जीव है, कोई भी जीव हो सकता है, पौधा या जानवर। अब ये जीव जो है दो जीवों को जोड़कर रखे हुए, जीव वन और ये जीव टू। तो दो जीव है वन और टू, और बीच में जो जीव है ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा। तो ये जो बीच में है इसको हम मान लेंगे कि बीच की कड़ी है, और बीच की कड़ी का मतलब इसको और इसको जोड़ने वाला। तो जोड़ने का मतलब क्या, तो जोड़ने का मतलब कि ये जीव जो है पहले ऐसा रहा होगा, बाद में ऐसा बनना चाह रहा जीव टू की तरह, लेकिन पूरा डेवलप नहीं हो पाया, तो कुछ गुण इसका रखे हुए और कुछ गुण इसका रखे हुए। और जब ऐसा कहीं जीव दिख जाए कि दो तरह के जीवों का गुण उसमें मौजूद हो, तो मान लेंगे कि वो बीज की कड़ी है। जैसे हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे बीज की कड़ी मानते हैं। जैसे हम जीव में एक बीज में रख रहे हैं, नाम है वायरस, विषाणु है, और पूछता अक्सर एग्जाम में कि विषाणु किसके किसके बीज का कड़ी। तो विषाणु को दो का बीज की कड़ी माना जाता, एक निर्जीव का और दूसरा सजीव का। तो ध्यान रखना है, निर्जीव और सजीव, लिविंग और नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का कड़ी है वायरस। विषाणु जितने भी होते हैं वो जीवन में बहुत बड़ा समय निर्जीव की तरह और बहुत बड़ा समय सजीव की तरह जीते हैं, और इसलिए उनको दोनों स्थिति में देखा जाता है। कभी लगता है कि वो सजीव है और कभी लगता है कि निर्जीव है, और इसीलिए उनको बीच की कड़ी मानते हैं। जब निर्जीव की तरह होता है तो जैसे रास्ते में पत्थर टुकड़े धूल कण पड़े हो तो वैसे पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करता, ना सांस लेता है, ना भोजन करता है, ना प्रजनन करता है, ना उत्सर्जन करता है, कोई काम नहीं करता। लेकिन फिर अचानक ही उसमें जान आ जाता है और फिर वो सारा काम करने लगता है। जैसे हम सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, प्रजनन करते हैं, तो सारा काम करता। तो धूल जैसा पड़ा हुआ है तो निर्जीव है, और जब काम करने लगा तो सजीव है। अब इसी में एक और हम नाम दे रहे हैं, नाम है युगलीना। अब युगलीना जो है ये कड़ी है दो का, पौधा और जानवर का। तो एग्जाम में अक्सर पूछेगा कि पौधे और जानवर के बीच की कड़ी माना जाता है किसको, तो याद रखना है युगलीना को। क्यों कड़ी है, तो पहले तो आपको पता होगा कि पौधा किसको कहते हैं, जानवर किसको कहते हैं। तो पौधा उसको कहते हैं या ग्रीन प्लांट्स के अंतर्गत उसको शामिल करते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस करने वाला पौधा और भोजन दूसरे से ग्रहण करने वाला जानवर, और युगलीना यही काम करता है कि सूरज की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण करके पौधे जैसा काम करता, और जब प्रकाश नहीं मिलता है, अंधेरा होता है, तो दूसरे चीजों से भोजन प्राप्त भी कर लेता है, जैसे हम लोग जानवर करते हैं। तो दोनों काम कर रहा है, इसलिए पौधे और जानवर के बीच की कड़ी मानते हैं। इसी में एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो बीपीएससी में पूछा भी है, नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। तो आर्कियोप्टेरिक्स कई बार बीपीएससी में पूछा, यूपीएससी में पूछा, एसएससी में, रेलवे में पूछा। अब यहां ध्यान रखना है कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये दो के बीच का कड़ी है। एक जो है जिसको हम लोग सरीसृप, और एक जो है पक्षी। तो ध्यान रखना इसको कि सरीसृप जो सांप की फैमिली है, और पक्षी तो आप समझ ही रहे। तो सरीसृप और पक्षी के बीच का कड़ी माना जाता है आर्कियोप्टेरिक्स को, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रमाण है कि आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा पक्षी है जिसके शरीर पर सल्क होते हैं, जैसे सांप में सल्क होता है, फिर बाद में उसमें विंग्स बन गए जिससे उड़ने की क्षमता आ गई। तो सल्क रखना सरीसृप का काम, या सरीसृप के और भी कई फीचर्स हैं जो इसमें दिखाई देते हैं। और पक्षियों में पंख होता है तो वैसे इसमें पंख भी है, और इसलिए माना जाता है कि पक्षी जो है पहले सांप की फैमिली में रहा होगा, बाद में डेवलप करते करते पक्षी बना। लेकिन ये एक ऐसा प्राणी है जो इसका गुण भी रखे हुए है और इसका गुण भी रखे हुए, और इसीलिए इसको सरीसृप और पक्षी के बीच का कड़ी मान लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग लिंक के बारे में आपको ध्यान रखना। अब यहीं पर एक चौथा जो और प्रमाण है उसका हम नाम ले रहे हैं, नाम है एटाविजम। एटाविजम मतलब होता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब पुराने चीज का वापस आ जाना। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मानव बंदर से विकसित हुआ, जो लैमार्क का कहना है, डार्विन का कहना है। तो बंदर में पूछ था, मानव में पूछ गायब हो गया, लेकिन आज भी पूछ की हड्डी है, हम लोग वेस्टिजल और उसको भी देखते हैं, कॉकिस कहा जाता है उसको।
लेकिन होता क्या है कि आज भी कई ऐसे बच्चे का जन्म हो जाता है जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डियों से पूंछ का विकास होता। तो पहले पूंछ था, बीच में गायब हो गया, और अचानक ही किसी बच्चे में पूंछ का विकसित हो जाना, यह पता चलता है कि वो गुण फिर से वापस आ गया। तो गुणों का पुनरावृत्ति होना एक विजन, और ऐसे न्यूज अक्सर आप पेपर में देखते हो, एक बहुत अद्भुत बच्चा पैदा लिया है जिस बच्चे को पूंछ है, जिसको लोग आश्चर्य से देखते हैं। तो पूंछ होना फिर से एटाविज्म को शो करता है, मतलब पताता है ये गुण कि कभी ना कभी पूंछ था, बीच में नहीं हुआ, डेवलपमेंट क्रम में गायब हो गया, लेकिन फिर अचानक आ जाता। और ऐसा ही एक घटना रसिया में घटा था, और वहां पर एक बच्चा पैदा लिया जिसको लॉइन बॉय ऑफ रसिया कहते। तो रूस में एक बच्चा जन्म लिया जो लॉइन मतलब सिंह होता, और सिंह के जैसा, जैसा सिंह का बॉडी होता है, उसके शरीर में जैसे बाल होते हैं, जिस तरह से उसके पूछ होते हैं, जो पोस्टर होता है, उसी रूप में ये बच्चा ज्यादा दिन विकसित नहीं रह पाया, कुछ ही दिन में जन्म लेने के बाद इसकी डेथ हो गई। लेकिन एक सिंह के जैसे बच्चे का जन्म लेना ये प्रमाणित करता है कि मानव का संबंध अन्य जानवरों से रहा है, और वहीं से चलकर मानव बना, और वो जीन, वो कैरेक्टर आज भी हमारे शरीर में है, और जब भी मौका मिलता है तो वो गुण फिर से डेवलप हो जाते। तो ये चार महत्वपूर्ण प्रमाण, हेमोलोगस एनालोगस ऑर्गेन, वेस्टिजियल ऑर्गेन, कनेक्टिंग लिंक, एटाविजम, ये चारों को आप ध्यान रखें। और सबसे ज्यादा ध्यान रखना है जो हमने एग्जाम्पल आपको बताया है, ये सब एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे, और जो बार बार एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछा जाए। तो इस प्रकार मैंने उद्विकास का ये अंतिम वीडियो है, मतलब कहना है कि इवोल्यूशन का ये चौथा चैप्टर था, चौथा पार्ट, और चौथा पार्ट के द्वारा मैंने इवोल्यूशन चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया, जो आपके एग्जाम के लिए जितना जरूरी है, जहां से सवाल पूछा जाता है, वो बेसिक तौर पर मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का प्रयास किया, जिसमें ऑरिजिन ऑफ लाइफ और ट्रांसफॉर्मेशन की लाइफ की पूरी बात बताई। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बीच बीच में थोड़ा सा व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं आ पाता है, लेकिन मैं पूरा कोशिश करता हूं जब भी मौका मिलता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो उपलब्ध करा सकूं। तो ये बायोलॉजी का एक और वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये वीडियो लोगों तक पहुंच सके, और जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको इसका लाभ मिल सके। और आपका जब रिजल्ट होगा तो मुझे लगेगा कि मैंने जो आपके लिए कुछ किया वो काम आ सका। तो फिर मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।